करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर कोविड अस्पताल में आग लगने का मामला, और मामले में दो डॉक्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राजधानी के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अग्निकांड हुआ था और इस मामले में अब दो डॉक्टरों को गिरफ्तार भी किया गया है और इन पर गैर इरादतन हत्या के की धाराओं के तहत कार्रवाई होने वाली है। तो बड़ी खबर, रायपुर में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में हुए अग्निकांड मामला, और इस मामले में दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल में संचालक मंडल में शामिल हैं ये दोनों डॉक्टर। गैर इरादतन हत्या के आरोप में इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इन्हीं धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो रायपुर के राजधानी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अग्निकांड मामला, और इस मामले में दो डॉक्टर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैर इरादतन हत्या के धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई होगी। टीकरापारा थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला इन पर दर्ज है। तो एक बड़ी खबर रायपुर से, यहां सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अग्निकांड मामला, अस्पताल संचालक मंडल में ये दो डॉक्टर जो थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गैर इरादतन हत्या का मामला इन पर दर्ज भी है। फोन लाइन पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ हेड नितिन चौबे जी जुड़ चुके हैं। चौबे जी, विस्तार से जानेंगे अग्निकांड के बाद क्या कुछ कार्रवाइयां हुई हैं यहां पर। देखिए अंकुश जी, आपको बताना चाहूंगा, पिछले 18 अप्रैल को ये जो भीषण अग्निकांड हुआ था कोरोना काल के बीच में, जिसमें कि प्रारंभ में 6 और बाद में 7 मरीजों ने अपनी जान गंवाई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इनकी मुआवजे की घोषणा करी थी और तब से ये मामला तूल पकड़ा हुआ था। कुल मिलाकर इस अग्निकांड के पीछे जो जिम्मेदार लोग हैं उसके लिए जिला प्रशासन ने 28 बिंदुओं पर पॉइंट बनाकर जांच शुरू की थी, और उसके पैरेलल ही पुलिस प्रशासन भी एक अलग से जांच टीम गठित करके इस पर जांच कर रहा है। उसके तहत ही आज पुरानी FIR को विलोपित करते हुए नई धारा लगाते हुए 304 का पार्ट 2, जिसका की अर्थात मतलब होता है गैर जमानती धारा होती है, वो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए ये दोनों डॉक्टरों को आज सुबह सचिन मल और अरविंदो राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस अस्पताल में 4 डॉक्टर हैं, डॉक्टर संजय जादवानी और डॉक्टर लालवानी, उन दोनों की तलाश पुलिस को अभी जारी है, उनकी अभी पूछताछ में जारी है। उसके बाद लगातार किन पॉइंटों के आधार पर इनको आगे न्यायालय के प्रस्तुत किया जाएगा। धारा की अगर हम बात करें, सजा का प्रावधान 10 साल का है, उसमें अगर जुर्म साबित हो जाता है तो। अंकुश जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दो डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है पुलिस ने कोविड अस्पताल में अग्निकांड का ये मामला है, और इसमें गैर इरादतन हत्या के तहत केस दर्ज किया गया है, और आरोप इन पर सिद्ध होते हैं तो 10 साल तक की इन डॉक्टर्स को सजा हो सकती है। तो कोविड अस्पताल में आग लगने का मामला, पुलिस ने दो डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। अस्पताल में संचालक मंडल में ये दोनों डॉक्टर्स शामिल थे। टीकरा पारा थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला इन पर दर्ज हुआ है।